तो दोस्तों आज संजू का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और रणबीर कपूर ने इसका ट्रेलर रिलीज किया। बड़े लंबे इंतजार के बाद इसका ट्रेलर अब आखिरकार रिलीज हो चुका है। इस ट्रेलर की शुरुआत में संजय दत्त का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर बोलते हैं कि आज मेरा बहुत बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि आज मेरी ऑटोबायोग्राफी का ट्रेलर रिलीज होने वाला है। उसके बाद ही दूसरे शॉट में रणबीर कपूर जेल से निकलते हुए आते हैं और बोलते हैं कि आपको इतनी क्वालिटी लाइफ कहाँ मिलेगी कि मैं यहाँ पे ठरकी हूँ, बेवड़ा हूँ और ड्रग एडिक्ट हूँ और ऐसी क्वालिटी लाइफ आपको कहाँ देखने को मिलेगी। और कहते हैं लेकिन टेररिस्ट नहीं हूँ, क्योंकि इस ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है कि एक संजय दत्त जो कि वन मैन एंड मैनी लाइफ जीते हैं, वो रणबीर कपूर ने कई लाइफ जी के उनका ट्रेलर में बायोपिक का नज़रिया दिखाया है। उन्होंने इस पिक्चर के अंदर पुलिस वाले से थप्पड़ भी खाया। उनसे जब पूछा गया कि तुम्हारे पास AK-56 थी तो उनको पुलिस वाले ने जड़ के थप्पड़ रख दिया। और जब उनसे दोबारा पूछा गया और दोबारा थप्पड़ उनको जब पुलिस वाले ने रखा तो उन्होंने बोला कि सच सच बताता हूँ मैं सर। इस ट्रेलर के अंदर संजय दत्त के ड्रग एडिक्ट बनने के अलग अलग तरीके और अलग अलग मजबूरियों को दिखाया गया। पहले के अंदर संजय दत्त बताते हैं, पहली बार मैंने ड्रग तब लिया जब मैं पापा से नाराज़ था, दूसरी बार मैंने जब ड्रग लिया जब मैं मम्मी से नाराज़ था, तीसरी बार मैं ड्रग एडिक्ट बन चुका था। और इस फिल्म के अंदर अनुष्का शर्मा का भी एक बहुत भयंकर और अच्छा किरदार निभाया गया है। अनुष्का शर्मा इस फिल्म के अंदर जर्नलिस्ट बनी हुई है। जब अनुष्का शर्मा ने संजय दत्त का इस फिल्म के अंदर इंटरव्यू लिया तब उनसे पूछा गया कि आप कितनी औरतों के साथ सोए हैं अपनी बीवी के अलावा, तब उन्होंने बताया कि मैं प्रोस्टिट्यूट को अलग गिनूँ या फिर उसके अलावा। तब संजय दत्त का जवाब था कि मेरी अब तक 308 औरतों के साथ मैं सो चुका हूँ जो मेरी बीवी के अलावा है। और इस सीन के अंदर दिया मिर्ज़ा का भी एक लुक सामने आता है, जिसके अंदर जब अनुष्का शर्मा संजय दत्त से सवाल पूछती हैं तो वो बगल में खड़े होकर सुन रही होती है। जब इसके अंदर दोस्ती का सीन आता है तो विक्की कौशल और संजय दत्त की एक बहुत ही बढ़िया एंट्री दिखाई जाती है। इसके अंदर संजय दत्त और विक्की कौशल की दोस्ती का एक वह पार्ट दिखाया गया है जिसके अंदर वो दोनों मस्ती करते हुए नजर आते हैं, रात रात को डोलना और दारू वारू पी के पार्टियां मचाना। इसके अंदर एक सीन ये भी आता है कि जब संजय दत्त को अंडरवर्ल्ड से दोस्ती के नाम पर हुई सारी चीज़ें दिखाई जाती है। इस ट्रेलर के अंदर उनके प्यार की बारे में भी बताया जाता है कि उन्होंने किस किस से प्यार किया और किस से शादी करी। तो इस ट्रेलर के अंदर संजय दत्त सोनम कपूर की गर्लफ्रेंड बनी है। संजय दत्त की गर्लफ्रेंड सोनम कपूर इसके अंदर एक सीन के अंदर जब उनसे मंगलसूत्र मांगती है तो उन्होंने टॉयलेट सीट की कवर को उठा के उनका मंगलसूत्र बना के उनके गले में डाल देते हैं। इसके अंदर बम ब्लास्ट वाले सीन भी दिखाए जाते हैं जिसके अंदर संजय दत्त को इस कंट्री ने टेररिस्ट कहला दिया था। उसके लिए संजय दत्त कहते हैं, मैं इस टेररिस्ट नहीं हूँ और मुझे बम ब्लास्ट के बारे में कुछ नहीं पता, मेरा अंडरवर्ल्ड से कोई लिंक नहीं है। और उन्हें पुलिस वाले जबरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं। उसके बाद उनको जेल की सलाखों के पीछे रखा जाता है। इसके अंदर एक संजय दत्त का खतरनाक लुक भी दिखाया गया है जिसके अंदर संजय दत्त नंगे खड़े हैं जेल के अंदर और पुलिस वाली उनकी बॉडी को देख रहे हैं और उनको चेक करके काल कोठरी में डाल रहे हैं। इस ट्रेलर के अंदर जेल के उन सीन्स को दिखाया गया है जो शायद आपको देखना गवारा ना हो। इसके अंदर परेश रावल का उनके बाप का रोल भी दिखाया गया है जो सुनील दत्त का रोल निभा रहे हैं। इसके अंदर जेल का एक सीन भी दिखाया जाता है जिसके अंदर रणबीर कपूर के पॉट से पानी निकलने लगता है और पूरा कमरा गंदे पानी से भर जाता है। इसके अंदर दिखाया गया है कि संजय दत्त अपना सिर पीटते हुए नजर आते हैं जेल के अंदर। इसके अंदर सलमान खान का भी सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर वो संजय दत्त को मोटिवेट करते हुए नजर आते हैं। और आपको बता दें कि इस फिल्म के अंदर भवन ईरानी का भी एक सीन दिखाया गया है और इसमें यह भी दिखाया गया है कि कैसे संजय दत्त अपनी शूटिंग के वक्त डायरेक्टर को बहाने करते हुए दिखाई देते हैं। तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बाकी की ऐसी और भी खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड जंक्शन।